नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन सीरीज बायो पार्ट टू। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद भाग के युग्मकों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलू मूल। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताज़ा पुष्प समूह। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? वुल्फिया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रिफ्लेसिया। परागण है, पराग कोष से स्टिग्मा तक पराग का संचार। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑर्निथोफिली। आभासी फल का उदाहरण है सेब। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट। टमाटर क्या है? फल। वह एक संग्रहित फल है। सहतूत। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? मांसल एरिल। गुदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? टमाटर। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? बीज पत्र से। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? निषेचन पर। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? पर निषेचन। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? लाइकोपीन। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन के कारण। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जेंथीन। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेसिन की उपस्थिति। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? छाल। लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है तुलसी। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखा फल। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अधपके फल से। इस पेड़ के छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है दालचीनी। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? सनई। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कपास। लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टिस से। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सैलिक्स परपुरिया के लकड़ी का। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू द्वारा। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में क्या होता है? जल का वहन। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। निम्नलिखित में से पेड़ की जड़ों में आयु का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना करके। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है?
क्वार्कस सुवेर से, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? क्लोरोफिल का। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? क्लोरोफिल। एक अभिकथन ए और एक कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन, पत्तियों का रंग हरा है। कारण, क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद है। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिनियसिस। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सूर्य से। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पौधे के द्वारा। अभिकथन ए और कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन ए, पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। कारण आर, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? जल का प्रकाश अपघटन के कारण। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न के भंडारण स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। फोटोसिंथेसिस किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? कैल्विन साइकिल के स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधे में CO2, H2O और ऊर्जा के पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? ATP द्वारा। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। पौधों का शिथिल होना की क्या वजह होती है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी जिम्मेदार है? रंध। घासों और सामान्य उद्यान पौधों के पत्तियों के सिरों पर भोर के समय पानी की बूंदें दिखती हैं। यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है? जल रंध से। निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? ऑक्सीजन के बिना श्वसन। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं?
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। कौन से पौधे में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि दर नापने में। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। 179 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इसमें इंसुलिन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? डी 2,4-D। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? साइटोकाइनिन के प्रयोग से। रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं, साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? एथिलीन। पादप वर्धक नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या है? इंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटीनाइड और टर्पिन। गन्ने की लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? कोलेट्रोट्राइकम फैल्केटम के कारण। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पीथियम डिबैरियनम के कारण। करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से। निम्नलिखित में कौन से जीवाणु से पौधे में किरीट पीटिका रोग होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेसियंस की कमी से, जीवाणु के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? धान हरित बाल रोग। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नस्ट हैकेल ने। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधे के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जीव और वातावरण के बीच। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ऑर्थर टॉन्सले ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है।